करने पहुंचेंगे, क्योंकि इस सेशन का ना एक एक मिनट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको मैं प्राइस बताऊं ना तो गुड़िया कहाँ अभी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है 8:30 और यहाँ पे मैं कृषा का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। अभी वॉक करके आई थी तो सबसे पहले फिर उसका रूटीन वगैरह करके उसका जो ब्रेकफास्ट है वो ही तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए जो छोटे वाला बनाना होता है ना, हम लोग उसको इलायची बनाना बोलते हैं, मैं कृषा को जब भी देती हूँ वही वाला बनाना देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा स्वीट होता है और थोड़ा मतलब हेल्दी भी होता है वो वाला। तो उसको मैंने ऐसे ग्रेटर में थोड़ा सा ये ग्रेट कर लिया, क्योंकि फोक की हेल्प से ना उतना अच्छा स्मूथ पेस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि पॉरेज बना रही हूँ ना तो उसमें फिर चंक अच्छे नहीं लगते, और अगर हम ऐसे घिस के बनाते हैं ना तो पॉरेज में एक अलग ही मिठास आता है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी रख ली है और मैं रागी पॉरेज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ढूंढ रही हूँ अपना जो स्मॉल वाला विस्कर है ना वो, और कभी कभी ऐसे हो जाता है चीज़ें आंखों के सामने होती हैं और ढूंढते रहो एकदम से ओझल हो जाती हैं, वही मेरे साथ हो रहा है। मैं ढूंढ रही हूँ और मिल नहीं रही है। वो मैंने रखा था कृषा के स्टरलाइज़र में, तो वहाँ पे याद आया कि रखा हुआ है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कुछ चीज़ ढूंढते रहो और मिलती नहीं है, फिर एक पॉइंट पर आके गुस्सा भी आने लगता है। ये है, और आजकल वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ हो गई हूँ तो चीज़ें बहुत ही कम याद रहती हैं, ऐसा होते जा रहा है। एनीवेज, तो बस यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और मैंने इसमें एक चम्मच से थोड़ा सा कम ही रागी पाउडर लिया है। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी लो फ्लेम पर, क्योंकि इसको भूनना बहुत अच्छे से है। जितना इसको भूनेंगे ना इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा एनहांस होगा। और इसमें बहुत थोड़ा सा बूंद भर के आसपास मैं देसी घी ऐड करूँगी और इसको बहुत अच्छे से फिर हम भूनेंगे। रागी अच्छे से भुन गई है, इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। इसमें स्लोली स्लोली करके मैं पानी ऐड करूंगी, एक साथ पानी ऐड नहीं करना है वरना इसमें फिर लम्प्स हो जाते हैं और फिर वो खुलते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं विस्कर का यूज़ करती हूँ ताकि इसमें लम्प ज़्यादा ना हो। तो बस इसमें जब एक बॉयल आ जाएगा ना, इसमें मैं जो उसका स्कूप है ना, 1 स्कूप मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। और मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं कौन सा मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने शुरू में नैनप्रो लिया था, लेकिन नैनप्रो उसको सूट नहीं किया, फिर वो ब्रेस्ट फीड ही रही है शुरू से। फिर मैंने लैक्टोजन यूज़ किया है तो वो उसको फिर भी थोड़ा सा मतलब ठीक है, क्योंकि दूध वो बोतल वाला वैसे तो पीती नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट में मैं पॉरेज वगैरह बनाती हूँ ना तो इसीलिए उसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, मतलब मिल्की टेक्सचर हो जाता है और इसमें जो आर्टिफिशियल बेसिकली वाइटामिन्स वगैरह होता है ना वो सब चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीड मदर को भी ना मतलब एक बोतल जरूर देना चाहिए, क्योंकि उससे ना बच्चे के अंदर काफ़ी कुछ जो कमी रह जाती है ना वो हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम में जो मदर्स होती हैं उनको भी मतलब उनके अंदर भी मतलब इतना ज़्यादा होता नहीं है ना चीज़ें, तो न्यूट्रिशन फुल न्यूट्रिशंस के लिए हमें मतलब देना ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे जो मैं बादाम और ये डेट्स का पेस्ट बना के रखती हूँ ना, ये ऐड कर देती हूँ। तो ये भिगा के ही मैं बनाती हूँ, मैंने एक वीडियो शेयर किया है पहले, अगर आप जाके देखेंगे उसमें फुल रेसिपी है। तो इससे टेस्ट भी अच्छा होता है और बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है, तो बनाना है इसमें तो बच्चों के लिए बेसिकली वेट गेन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ठंडा कर लूँगी और प्लेट में ही रखती हूँ, क्योंकि कृष्णा ना कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है तो उसको फटाक से खिलाना पड़ता है। हालांकि वो बात अलग है कि वो मतलब बहुत मुश्किल से खा पाती है, उसको खिलाना ना बहुत ज़्यादा एंटरटेन करना होता है मेरे को। अभी आप देखेंगे वो रो रही है और उसको फुल मुझे एंटरटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो खाने के लिए राजी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वॉक करके आते हैं ना वो भी जल्दी उठ जाती है, वॉक करके आते हैं तो उसको चाहिए कि मैं उसको थोड़ा सा फीड करा देती हूँ, लेकिन वही ना पेट भरने के लिए भी थोड़ा बड़ी होती जा रही है तो कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा ना, तो उसको चाहिए कि बस मैं उसके साथ लेटे रहूँ और उसको फीड कराते रहूँ, बट वो हो नहीं पाता है, क्योंकि इसके बाद उसको खिलाऊंगी थोड़ी देर, वो खेलेगी, मैं शावर लूंगी, फिर उसका रूटीन शुरू होगा, तो फिर ना अगर मैं उसको भी कुछ खिलाऊंगी नहीं ना तो फिर वो बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए ना मेरे को इसमें इसको खिलाना जरूरी होता है। देखो कैसे वो मना कर रही है, उसको फिर मैं बातों में लगा के एटलीस्ट थोड़ा एक दो स्पून वो खा ले, मुझे भी तसल्ली हो जाए, कुछ तो उसके पेट में जाएगा ना, ये मतलब मेरी सिचुएशन रहती है। और जब उसको खिलाना शुरू करूंगी तो मतलब उसको फिर यही है कि थोड़ा सा ये खाएगी
और यहाँ पे अनवित रेडी हो रहा है, वो जाएगा स्विमिंग क्लास के लिए, उसकी स्विमिंग क्लास चल रही है और अनवित काफी अच्छी स्विमिंग सीख गया है, आगे चल के कभी आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इसकी बिब लगा ली है, मैंने वाली बिब ली है कृषा के लिए ना। इसमें क्या होता है, खाना अगर गिरता है ना तो बिब में इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा मैस नहीं होता है। थोड़ा बहुत खाती है, उसके बाद जो भी प्लेट में बचता है उससे मैं उसको सेंसरी प्ले दे देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे का जो टैक्टाइल सेंस है ना वो स्ट्रांग होता है, और बच्चे बहुत ज्यादा फिर टैक्टाइल सीख नहीं करते हैं, तो जितना जल्दी ये सब इशू रिजोल्व हो जाए ना उतना जल्दी बच्चे ना स्ट्रांग होते हैं। तो उसको वो यहाँ पे मैं दे देती हूँ, तो अपना स्पून से जो उसका खाना होता है उससे खेलते रहती है, क्योंकि ये सबसे सेफ प्ले होता है। क्योंकि क्या है ना, अगर हम अदर मैसी प्ले देंगे तो उसमें बच्चे का खाने का डर रहता है ना। तो बस यहाँ पे हो गया इसका, मैं इसका हैंड वॉश माउथ वॉश ये सब करूंगी, क्योंकि एवरी मील के बाद माउथ वॉश करना बहुत जरूरी होता है बच्चे का, क्योंकि टीथ वगैरह आ गए हैं ना कृषा के, और अगर डर्टी रहेंगे तो डिके होने का कैविटी होने का डर रहता है, इसलिए अच्छे से इसको वॉश करना जरूरी है। तो बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ दूंगी, अपना बेड वगैरह ठीक करूंगी, शावर लूंगी। तो ये मतलब पैरेलली जो काम है ना मॉर्निंग के, ये सब चलते रहते हैं। और आजकल यहाँ पे बैठा दो ना इसको वॉश बेसिन पे, तो उसको काफी अच्छा लगता है, काफी क्यूट सी भी लगती है ये। और ये देखो मैंने आपको दिखाई थी ना अपनी मंडाला बुक, उसका बस एक ही पेज इतना ही फिल हो पाया है, क्योंकि जैसे ही लेके बैठती हूँ कोई ना कोई चालू जाता है अनवित और कृषा में से ना। रात में ही बैठ के थोड़ा कुछ किया था, लेकिन एटलीस्ट ये है कि मैंने ये बुक ली है ना, तो उनको तसल्ली है, जब भी मेरा मन करता है ना तो मैं मतलब बैठ के इसको कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैंने कलर वगैरह घोल रखे हैं और मुझे उनको हटाना है, तो इसमें ये बेस्ट पार्ट मुझे लगा। और अपने माइंड को सूद करने के लिए ना हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो मुझे तो यही सब एक्टिविटीज़, ये सब ड्राइंग, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं ना मतलब ये करते रहती हूँ। तो बस यहाँ पे जो ऊपर का सामान है ना वो सब हटा दिया मैंने, उनको सबके रूम पे अरेंज हो गया। आजकल मेरा जो रूम है ना वो बेसिकली काइंड ऑफ स्टोर रूम टाइप भी हो गया, क्योंकि काफ़ी सामान रहता है और ऐसे हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी कृषा की लॉन्ड्री लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा भी शावर हो गया है और कृषा अपनी एक छोटी सी नैप ले रही है, उसको मैंने सब मसाज वगैरह कर दिया था, उसको शावर वगैरह सब कुछ दे दिया था। तो बस मैं अभी हो रही हूँ तैयार, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करके निकलना है अनवित को क्लास लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं अपने बाल ही बना रही हूँ, और ये वाली मैंने ब्रेड बनवाई हूँ, मैं आपको बताती हूँ आगे चल के इसका पूरा स्टोरी ना। तो इन्हीं को अरेंज कर रही हूँ, और इस समय आते आते काफ़ी मतलब देर हो जाती है, फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी है, फिर अनवित को लेके निकलना है क्लास के लिए ना। पूजा हो गई है और ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और यह है आज का सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, ग्लूटेन फ्री, लोट्स ऑफ लोडेड ऑफ वेजिटेबल्स, और मतलब मल्टीग्रेन, क्या क्या बताऊँ आपको, मतलब गिल्ट फ्री ब्रेकफास्ट है, आप मतलब इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे करके। ये है मेरी चाय, तो मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। अभी अनवित की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उसको वहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ, गुड़िया को घर पे ड्रॉप किया। बहुत देर से मैं ऑटो बुक करा रही हूँ, एक ऑटो बुक हुआ था और वो बंदे ने बोला कि मैं पंचर लगवा रहा हूँ, आता हूँ मेरे तो क्लास निकल जाएगी थी देर में, क्योंकि सेशन बहुत कॉस्टली होते हैं ये वाले ना। और तो इसीलिए वो मतलब छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे, तो इसीलिए अभी अनवित को जा रही हूँ क्लास लेके। तो ऑटो का बिल्कुल भी टाइम नहीं था वेट करने का, तो सौरभ को बोला कि तुम ड्रॉप कर दो, तो सौरभ ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लगेगा 5 मिनट्स लगता है, 5 to 10 मिनट्स। तो अभी सौरभ फिर हमें ड्रॉप करके आएंगे, क्योंकि इस क्लास का ना एक एक मिनट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम वेस्ट नहीं कर सकते, इतना महंगा क्लास होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, आवरली हिसाब से पे करना पड़ता है। बैठो अनवित जल्दी, 45 मिनट्स का क्लास है और 1000 रुपीज में पे करूंगी क्लास। चलो चलते हैं।
सो आज का जो ब्रेकफास्ट था ना वो सुपर टेस्टी था और सुपर हेल्दी था, गिल्ट फ्री ब्रेकफास्ट था। तो बेसिकली अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं या फिर कुछ हेल्दी खाना चाह रहे हैं तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। टेस्टी तो है ही है और इसके साथ ना बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो जब तक मैं होके आती हूँ ना तब तक आप इसके बैटर की देख लीजिए प्रिपरेशन, मतलब सब मैंने कैसे किया है, और तब तक मैं क्लास वगैरह सब कुछ अटेंड कर लूंगी और आके ना फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। और चलिए, क्योंकि अभी हो रहा है लेट और मुश्किल से 5 मिनट्स बचे हैं क्लास को शुरू होने में ना। सो अगर आप देख पा रहे होंगे ना, इसमें मैंने बहुत सारी दालें भिगाई हैं, जैसे छिलका मूंग है, धुली हुई मूंग है, मसूर है और उड़द दाल है। आप चना दाल है, इसमें दाल अपनी चॉइस की ले सकते हैं, मैंने वाली दालें ली हैं, और साथ में रागी है। और अगर आप ये देख रहे होंगे ना, ये मेथी का पाउडर है, आप साबुत मेथी लीजिएगा, मेरे पास साबुत मेथी खत्म थी। तो बेसिकली मम्मी सुबह को मेथी लेती है भीगी हुई, मम्मी को शुगर है ना, तो वही मैंने इसमें 1 चम्मच भर के डाल दिया था। इसको मैंने गुड 4 to 6 आवर्स के लिए सोक करना है इसको, ताकि सारी दालें अच्छे से गल जाए। और साथ में जो राइस है वो मैंने अलग से सोक किए थे, क्योंकि इसमें मैं ना 2 टाइप के बैटर बनाने वाली हूँ, एक राइस वाला और एक बिना राइस वाला। तो ऐसे इसको अच्छे से भिगा के रखना है, क्योंकि रागी जो है ना वो गलने में बहुत टाइम लेती है। तो आफ्टर 6 आवर्स बाद ना हमें इनका जो है ना एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। तो अभी 6 आवर्स हो गए हैं, मैं इसको मतलब ग्राइंड करूंगी। तो यहाँ पे ना जो रागी है ना वो पिसने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसीलिए आपको इसमें मतलब थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो ये वाला जो पेस्ट है ना वो मैं मतलब पीस के अलग तैयार करूँगी, थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा आपको इसमें, बस पीसने का थोड़ा सा मेहनत है, या तो हमारी मिक्सी थोड़ा सा पुरानी हो गई है, शायद वो फ़र्क है, या फिर रागी का भी फ़र्क होता है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैंने मतलब ये रखी है, और इस पेस्ट को अलग पीसने के बाद ना बाकी फिर मैं राइस पीसूँगी, और ये वाला जो पेस्ट है वो थोड़ा सा मैं अलग निकाल लूँगी अपने लिए, क्योंकि मैं राइस वाला नहीं लूँगी, और बाकी और बैटर में मैं राइस मिक्स कर दूँगी। तो ऐसे हम मतलब 2 टाइप के बैटर तैयार करेंगे, क्योंकि एक जो बैटर है वो अगले दिन और मतलब चीज़ें बनाने में यूज़ हो जाएगा। सो यहाँ पे जो पूरा बैटर है वो अच्छे से मतलब पिस गया है, और मैंने आपको बताया ना दाल वाला बैटर मैंने अलग कर दिया और राइस को आधी दाल वाले बैटर में मिक्स कर दिया। इसमें नमक ऐड करने के बाद ना इसको ओवरनाइट मैंने फर्मेंटेशन के लिए रख दिया है। अगर आपको फर्मेंट भी नहीं करना ना तो आप इंस्टेंट भी इसका डोसा या इडली के लिए आपको फिर इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह डालना पड़ेगा, लेकिन डोसा या फिर जो उत्पम वगैरह ना वो आप इससे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है, और इनफैक्ट जिनको डायबिटीज है ना उनके लिए भी ये काफी अच्छा ऑप्शन है, और दूसरा वेट लॉस के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने आपको बताया ना मैंने अपने डाइट में कुछ कुछ चेंजेस करे हैं, और उसके ना विजिबल डिफरेंस अभी दिखाई दे रहा है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मैंने क्या अचीव किया है। तो ये है, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी राइस पीस रही हूँ, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि राइस पीसने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो ये देखो बैटर में फर्मेंटेशन कितने अच्छे से हुआ है, ये राइस वाला बैटर है और जो दूसरा बैटर है उसमें भी बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हुआ है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करने वाली हूँ, वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की ऐड करिएगा। और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद ना इसमें हम डालेंगे, आप इनो डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ये सब डाल सकते हैं, और इसका फिर मैं इडली जो है ना वो स्टीम करने के लिए रखूँगी। सो ये इडली चटनी के साथ खाने वाले हैं, इसके लिए नारियल ऐड कर दिया है, हरी मिर्ची ऐड किया है, और मूंगफली ऐड किया है रोस्टेड वाला, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर ये ऐड कर दिया, इसमें फ्रेश धनिया भी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। एक बार मार्केट बोट बैटर लिया था, उसके साथ आई थी जो ये ग्रीन वाला चटनी है ना, तो तब से ही मतलब बनाने लगे।
अच्छा लगता है। इसमें ग्रीन चिलीज अच्छे से ऐड कर दिया है और इसका एक स्मूथ चटनी बनाएंगे। इसमें दही ऐड कर देते हैं हम लोग खट्टे के लिए ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी, थोड़ा सा मतलब मैं जल्दी बोल रही हूँ। ये है तो देखिए यहाँ पे जो बैटर है ना वो भी तैयार हो गया है। तो बस अभी हम अच्छे से ग्रीस करेंगे और इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था और इससे बहुत ही फ्लफी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट इडली बनके तैयार हुई थी। इडली को आपको ना हाई फ्लेम पे 20 मिनट तक आपको स्टीम करना पड़ेगा, तो आप ना एक बार बीच में चेक भी करिएगा, वरना ये वाली इडली ना क्या होता है बहुत बार आपको लगेगा कि ऊपर पानी है और आप इसको निकाल के रख देंगे ना थोड़ी देर तो सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो इडली है ना वो सब मेरी तैयार हो गई हैं और सब लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय की थी, बहुत बहुत टेस्टी थी। और जो नेक्स्ट बैटर बचा था ना उसका अगले दिन हम लोगों ने उत्तपा बनाया, आप इसका डोसा बना सकते हैं, बहुत बहुत टेस्टी है। मैं आपको क्या बताऊँ, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बेसिकली एक गिल्ट फ्री और टेस्टी ब्रेकफास्ट है। फाइनली क्लास हो गया है और ऑटो बुक कराया, जैसे ही ऑटो बुक कराया मैं बाहर निकली लिफ्ट से, ये एकदम से बाहर नहीं निकला और लिफ्ट में ना ट्रैप हो गया थर्ड फ्लोर पे। इतना टाइम उसमें निकल गया, इतनी टेंशन हो गई, रो रहा था, हेल्प हेल्प हेल्प, दिमाग काम नहीं करा एकदम से ना, इतनी एकदम से हालत बुरी हो गई। ये देखो ये बैठा है, बहुत ज्यादा नोटी होता जा रहा है डे बाय डे, मतलब इतनी ज्यादा शैतानियां करने लगा है ना मैं आपको बता नहीं सकती। एक पॉइंट के बाद ना इसकी आवाज आनी बंद हो गई, जो बोल रहा था हेल्प हेल्प रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो, फेंट फेंट हो गए लिफ्ट के अंदर, इतना टेंशन हो। फिर मैं थर्ड फ्लोर पे भागे भागी गई, रास्ते में जो गार्ड भैया है ना उनके साथ आ रहा था, हंस रहा है वो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 15 के बाद क्या आता है? 16, 17 नहीं अनवित, रॉन्ग है, वापस काउंट करो, काउंट रॉन्ग किया तुमने। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आंसर इज 16 सो फाइनली अनवित का जो इवनिंग वाला स्टडी वाला सेशन है ना वो कंप्लीट हो गया है। और दोपहर के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आने के बाद मैं वही सोचते रही कि आज मतलब कैसे, मतलब क्या हो जाता है वो लिफ्ट वाला इंसिडेंट ना। एनीवेज तो हम लोगों ना लास्ट वीक, हम लोग परसों ही आए हैं, हम लोग गोवा गए थे वेकेशंस के लिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह वहाँ पे शूट नहीं किए, लेकिन छोटे छोटे कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, वो देखूंगी जब टाइम लगेगा तब शेयर करूंगी। गुड़िया के बहुत सारे फोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे, वो बहुत ज़्यादा मन था। तो ये वाला जो ट्रिप था ना बेसिकली इसमें हम लोगों ने स्पा वगैरह ये सब लिया और काफ़ी अच्छा था। और मैं इस बार ना बहुत ज़्यादा कैमरे के पास नहीं रहना चाह रही थी, कैमरे से थोड़ा सा दूर रहना चाह रही थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग वगैरह सब शूट नहीं किया। इस बार हम लोग साउथ गोवा में गए थे, हमेशा नॉर्थ गोवा में गए हैं लेकिन इस बार पहली बार साउथ गोवा में गए, तो एकदम पीसफुल था। और नॉर्थ तो ऐसे खचाखच भरा हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा रश था, मतलब जी घबरा रहा था। साउथ में मतलब थोड़ा सा पीसफुल था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग जाते थे, बाहर निकलते थे और डे टाइम में अपने जो होटल था ना उसी में हम लोग रेस्ट करते थे। तो जैसे इधर नॉर्थ में हार्ड रॉक होटल था, तो वो तो ऑब्वियसली बात आपको पता है कितना अच्छा होटल है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, एक्टिविटी थी करने के लिए, तो वो सब किया। साउथ गोवा में हम लोगों ने कुछ तो स्पा रिजॉर्ट करके था, वो भी बहुत अच्छा था, उसमें भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। पिक्चर शेयर करूंगी आपके साथ पॉसिबल होगा, अभी तो मैंने सब ट्रांसफ़र वगैरह भी नहीं किया। परसों रात में आते आते हम लोगों को 12 बज गया था, क्योंकि हम लोग आते वक्त ना कोल्हापुर भी गए थे, तो देवी के दर्शन करने थे। मेरा मन था बहुत ज़्यादा कि लक्ष्मी माता के दर्शन करके चलेंगे, क्योंकि फिर स्पेशली जाना आना तो वो फिर मुश्किल हो जाता है ये करके ना। और रात में आते आते 12 बज गए, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर कल जैसे कि आपको बताया कि जब तक काम हो ना जाए, कल पूरा दिन वो कपड़े वगैरह सब छाटे, वो सब वॉशिंग वगैरह, आज सब लॉन्ड्री धुल गई है, अभी सब लगाना है, ये सब काम करना है। पहले करूँगी डिनर, अभी आ गई है मेरी जो कुक है ना डिनर बनाने के लिए, तो अनवित का ये कराया। तो कुछ ऐसा था, और तो चलिए मैं चलती हूँ और अभी आपको दिखाती हूँ कि डिनर में क्या बन रहा है।
और ये जो ब्रेडिंग है ना, ये मैंने वहीं पे कराई, इस बार ज्यादा अच्छी नहीं हुई है मेरी वाली जो ब्रेड है ना। लास्ट टाइम कराई थी वो बिल्कुल भी ओपन नहीं हुई थी, वो मैंने ही कट करी थी, लेकिन इस बार वो ना जल्दी जल्दी में कुछ तो बनाई है उन्होंने, तो पूरी निकली हुई है। तो मैंने सोचा एक दो दिन तो एटलीस्ट जुगाड़ करके मैं चला लूँ, क्योंकि ऐसे पोनी टेल में बना रही हूँ ना तो काफी अच्छी लगती है मेरे को ये जो ब्रेड है ना। तो वो तो मतलब काफी मतलब ऐसे बनाई थी, बागा पे बनाई थी रात में ना, वहाँ पे डिनर करने के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ का डिनर ना ऑलवेज मुझे मतलब अच्छा लगता है। वहाँ के जो कुक है ना, उन्होंने नोट के रखे हुए हैं, तो जो सब्जी वगैरह देते हैं ना तो काफ़ी अच्छी सर्व करते हैं। मैंने सोचा कि चलो वहाँ तो एक बार डिनर करेंगे, तो वहीं पे बैठे रहे आराम से, तो वो आ गई थी बनाने के लिए, उसने बना दिया ये था। तो चलिए चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या मतलब बनाया आज। गुड़िया आजकल टेबल के नीचे घुसने लगी है, तो टेबल के नीचे आ गई। फाइनली डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, और डिनर के बाद की वॉक भी हो गई है, और मेरे जो कपड़े हैं ना वो भी सब एकदम आयन वगैरह होके तैयार हैं लगाने के लिए। तो अभी अपनी जो वॉर्डरोब है ना वो अरेंज करूंगी थोड़ा बहुत, और देखो जैसे ही मैं तैयार हुई ना करने के लिए, इधर देखो ये गुड़िया ये सबसे पहले आके बैठ गए। आजकल चेयर वेयर सबके नीचे घुस जाती है, ये हो रहा है इसका ध्यान आजकल ना बहुत ज्यादा रखना जरूरी हो गया है। कल रात को ना गुड़िया बेड से गिर गई, और अभी वो लेनी है बेड के चारों तरफ की जो रेल होती है ना। आप लोग बताइएगा अगर आपके पास कोई और सजेशन हो, या फिर कोई अच्छी रेल का सजेशन हो वो ऑर्डर करनी है। तो वो देखिए क्या करा गुड़िया, कहाँ से टेडी हैंड करके आई हो है? हाँ तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, हेलमेट लगाओ। ओ, कल मतलब ऐसे हो ना एकदम सारा सामान धाड़ से गिरा, पता नहीं क्या कर रही थी, वही वाली बात है। तो ये है, तो चलिए मैं लगाती हूँ अपने कपड़े सारे, अरेंज करती हूँ, और फिर मिलूंगी आप लोगों से न्यू व्लॉग के साथ। परसों अनित का बर्थडे है तो वो वाला व्लॉग भी मैं शूट करूंगी। अभी अनित के लिए ना शॉपिंग करने भी जाना था, लेकिन ना टाइम हो गया है 9:15 है, क्योंकि सौरभ अभी भी फ्री नहीं है, तो बोल रहे थे कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए टाइम निकालूंगा, लेकिन फिर ये लगा कि चलो परसों को जाके ना मॉर्निंग में ही ये ले लेंगे इसके लिए कपड़े वगैरह, मम्मी को भी दिलाने हैं, तो वही बोल रही थी ये करके। तो चलिए मैं लगाती हूँ अपना सामान, और जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।